वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, होप यू आर ऑल गुड। तो आज की जो वीडियो है ये है मेरा रूम टूर के बारे में, और हम इस वीडियो में करेंगे Apple Watch SE की अनबॉक्सिंग, और मैं आपको अपने रूम का टूर दिखाऊंगा। पहले मेरा एक और रूम था, तो वो मेरा शेयर्ड रूम था एक फ्रेंड के साथ, तो अभी हम लोगों ने सेपरेट रूम्स ले लिए क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी वगैरह अलग है और मेरी इधर में क्वेरी है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पास आ गया हूँ। बिकॉज़ यू नो क्लासेज और असाइनमेंट्स, तो आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने ही लगाने हैं। तो जितना यूनिवर्सिटी के आप पास रहेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, टाइम सेव होगा और फ्यूल भी सेव होगा आने जाने का। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं आपको अपने रूम का टूर देता हूँ, सो लेट्स गो। मेरे कुछ अदद कपड़े और जैकेट्स हैं मैंने यहाँ पे हैंग की हुई हैं, और जो इस तरह के वाला फ्यूल के लिए वो मैंने इधर रखे हैं। बाकी नीचे सॉक्सेज, अंडरवेयर्स और अंडरगारमेंट्स का सारा स्टफ है। शूज़ मैंने थोड़े से दो यहाँ रखे हुए हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, और जो यूज़ हो रहे हैं वो पहने हुए हैं। और एक ये मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सफाई के लिए, ये जो आपको फर्श साफ नज़र आ रहा है ये इसी की बदौलत है। तो ये वुडन है फ्लोर, तो इससे ना बहुत ज़्यादा शोर होता है, देखें। तो ये मेरा है जी एक तरह का डस्टबिन, वो सर्फ पड़ा हुआ मेरा, तो इसके अंदर ही मैं कपड़े रख देता हूँ जो धोने वाले होते हैं, फिर वो मशीन नीचे है, नीचे अंडरग्राउंड लॉन्ड्री है वहाँ पर कर देते हैं। और इसके अलावा जो मेरे नाइट सूट्स वगैरह वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। बाकी रूम थोड़ा इस तरह का है, ये ओवर व्यू है एक तरह का। ये मेरा टेबल है, स्टडी टेबल, लैपटॉप, चेयर, और ये मेरा अपना वो है बेड वगैरह, और एक उन्होंने फ़ैन दिया था, ये सब उनकी तरफ से। बेड पूरा, टेबल, चेयर और फैन, उन्होंने कंबल भी दिया था लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया, मैं अपना लेके आया, चादर भी। और ये है विंडो, यहाँ से सुबह का बहुत प्यारा व्यू आता है, वो भी आपको मेरे पास एक दो फोटोज़ पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सीन ये है कि इस टाइम मैं रात के 11-12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो सारे लोग सो रहे होंगे, लेकिन आपको म्यूट पे ना एक तरह के सिनेमैटिक्स है, आपको किचन की मैं वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह का किचन है। और ये शेयर्ड किचन होता है, हम यहाँ पे तीन लोग रहते हैं, दो भाई हैं, एक सिटीज़न है और एक आई गेस PR पे हैं शायद, तो आई डोंट नो, लेकिन वो बस उधर है। हम अपना किचन का बनाएंगे व्लॉग थोड़ा सा, और फुटेज बनाऊँगा और वो आप देख लेना, ठीक हो गया, उसमें मैं बोलूँगा नहीं। ओके, तो ये जी एक अगर हमें जी दी हुई है इन्होंने आयरन, यहाँ पे कपड़े प्रेस, यहाँ पे खाना वगैरह आता है, ये भाई लोगों का सामान है। ये है जी मेरी अकेले की फ्रिज, और इसमें सामान मेरा बस यही है। और ये सारा किचन है, ये इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं, यहाँ पर गैस यूज़ नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रिक है सब कुछ, उसको बंद कर देते हैं, ये बंद कैसे होगा, बंद हो गया। उसके अलावा ये वाले जो पूरा ये है ना, ये वाला ये मुझे दिया कबर्ड, इसमें सिर्फ मेरा सामान है, ये तीन पोर्शन है लेकिन मेरा एक में सामान जी हो गया जी पूरा। तो ये भी हम बंद कर देंगे। एक ओवन भी है हमारे पास गर्म करने के लिए, कैटल भी है, और ये राइस उबालने के लिए ये भी है। बाकी क्लीन है सारा, और कोई भी गंदगी नज़र नहीं आई आपको। तो ये था जी मेरा छोटा सा रूम टूर, और जैसा कि आपने देखा किचन उसमें ये है, और वॉशरूम वगैरह भी है, वो क्या देखना है यार। तो बाकी रूम आपको दिखा दिया, इसका जो रेंट वगैरह है ये है 140 पर वीक, और इसका जो बॉन्ड था वो मैंने 2 वीक्स का भरा था। और ये बिल्कुल मेरे यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ है, और ये मार्श फील्ड में, मार्श फील्ड, हाँ यही नाम है, एपिंग्स के पास। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से आई गेस 1.5 किलोमीटर्स है, और मतलब यहाँ से सामने वाली रोड पे आप जाओ ना थोड़ा सा आगे, तो वहाँ से यूनिवर्सिटी की आई गेस लाइब्रेरी भी वहाँ से हाँ जी नज़र आती है, तो करीब ही है यूनिवर्सिटी भी। वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है, मतलब है लेकिन आपको वही 15-20 मिनट लग जाएंगे, गाड़ी पे आप जाओ 4 मिनट लगते हैं आपको, यूनिवर्सिटी है सामने। तो ये आपको बताना था रूम वगैरह का। बाकी जो रूम वगैरह है अगर आपने ढूंढने हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस गमट्री, ये मैंने गमट्री से मुझे मिला था, मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी काफ़ी सारी उनको लोगों को मैसेज किया था, लेकिन ये वाला जो रूम है मुझे गमट्री पर मिला। जो पहले वाला था वो मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस से मिला था, ये गमट्री से मिला।
तो जो पहले रूम था उसका हम शेयर्ड था, वो काफ़ी बड़ा रूम था, उसका हम देते थे 120 पर वीक, तो क्योंकि उसमें दो लोग रहते थे। तो वो लोकेशन ईस्टवुड में थी, तो हमने चेंज करना था, वहाँ पे कोई सिंगल रूम नहीं था, प्राइवेसी भी होती है, तो इसलिए हमने रूम चेंज किया। उसने भी रूम चेंज करना था, तो उसने मैंने भी करना था, तो फिर मैं इधर आ गया, वो अपना ब्लैक टाउन, पता नहीं बैंक्स टाउन यार, एक तो नाम बैंक्स टाउन चला गया आई गेस। तो दैट्स इट। तो आए एप्पल वॉच की ज़रा करें अनबॉक्सिंग और देखें जी क्या दिया है एप्पल वालों ने हमें। हमारी एप्पल वॉच, और यार ये मेरा कैमरा क्यों नहीं सेट हो रहा। गाइस ये आ गई अपनी जी एप्पल वॉच, अभी से करेंगे जी हम अनबॉक्स और देखते हैं जी हमारी एप्पल वॉच। हाँ ये तो बताया नहीं, ये स्पेस ग्रे में है, ठीक है। अरे भाई खुलनी कैसे है, ले तो लिया, लगता है फैन का शोर आएगा, इसको बंद कर दे। वैसे भी आज बारिश हो के हटी है, ओए होए 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 होए। तो ये हो गई जी, अरे यार वो आ गया था जी बैटरी का, वाह ये अंदर उन्होंने ड्राइंग्स की थी सारी सब काम नहीं। तो असल में एक निकला ये, इसमें है आई गेस हमारी वॉच, और इसमें है हमारे वो रिस्ट बैंड्स होते हैं ना, ये उसके साथ लगेंगे, तो इसमें हमारी आ गई आपकी वॉच। तो लेट्स सी, अरे यार फिर कॉल आ गई यार, ये गलत बात है। तो यार बीच में आ गई थी कॉल और हमारी अनबॉक्सिंग वहीं की वहीं रह गई है। तो ये हमारा जी लास्ट एपिसोड में ये निकली थी, तो ये है हमारी जी एप्पल वॉच, ये एप्पल वॉच आ गई है बिल्कुल छोटी सी, इसको भी अभी हम अनबॉक्स करते हैं, इसको रखेंगे साइड पे। और वह ये क्या है इसके अंदर, ये मैनुअल्स हैं एज़ यूजुअल, ये किसी काम के नहीं, ये रद्दी में जाएंगे। और ये एक उन्होंने दी है आई गेस लाइटनिंग केबल लग रही है मुझे, हाँ जी लाइटनिंग केबल है, ओ हाँ लाइटनिंग केबल है, और साथ ये वायरलेस वो जो होता है ना, रुकेंगे ये खोलना ही पड़ेगा। तो ये आ गया जी वायरलेस चार्जर इसका, ये लाइटनिंग केबल है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फास्ट चार्जिंग आ गई, एक केबल आ गई, एक वॉच आ गई, ये हमने साइड पर रखी हुई है। अब बारी है जी इसको साइड पर रखें, अब बारी है जी रिस्टमैन की, जो साथ लगेंगे, अब खुलेगा कौन से। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये रहा इसका, तो ये एक और मैनुअल आ गया, ये भी किसी काम का नहीं है एप्पल। तो ये जी हमारे पास ये कुछ इस तरह की पैकिंग है, इसके अंदर ये हमारा रिस्ट बैंड और आई गेस ये एक्स्ट्रा है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, देखते हैं कैसे होगा। ओके तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है मीडियम और स्मॉल, मतलब इनकी लेंथ में फ़र्क है। ये देख, ये तो सेम ही है क्लिप वाला, तो जो ये है ना ये देखेंगे आप देख सकते हैं, एक बड़े लेंथ वाला है, एक ये जिसकी कलाई ज़रा थोड़ी मोटी होगी तो उसको ये लगेगा, जिसकी हमारी नाजुक कलाइयाँ तो उनके लिए ये छोटा बैंड। तो अभी हम छोटा बैंड इस्तेमाल करेंगे, ये वाले लगाएंगे, और ये है जी स्पेस ग्रे में, ये देखें। और हमारी वॉच किधर गई, ये री वॉच, तो ओप्स फट गया, सो ये है जी वॉच, अभी हम इसे ऑन करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसी चलती है। तो ये जी एप्पल वॉच हो गई जी ऑन, और इस पर सिग्नल भी आ गया कोई, क्या सिग्नल आ रहा है, आईफोन एप्पल वॉच, अभी इसका शायद मैनुअल्स चल रहे हैं सारे। Yes.
चुका है, जब ये सेट हो रही है 44 mm एलुमिनियम केस, तो यही बस वॉच का आज अनबॉक्सिंग थी। तो प्लीज़ कंटिन्यू सेटअप ऑन आईफोन। ओके गाइस, आज की वीडियो में पंखा एक मिनट को यार फैन ऑफ करें। तो यार आज की वीडियो में यही था, रूम टूर, छोटा सा रूम टूर था, और एप्पल वॉच की अनबॉक्सिंग थी। तो इसके अलावा जो आपको और टॉपिक पे जो वीडियो आपको मतलब है ना कि यार होनी चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन पे, वो मुझे बताओ कमेंट्स में, तो उस पर अगली वीडियो उम्मीद कर दूंगा कि बनाऊँ और आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन भी दें। तो बाकी आज की वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और सब्सक्राइब बटन लाजमी उसे तोड़ दो, फोड़ दो। तो अपने भी यार कोई 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ। पता है मुझे ब्लॉग्स आजकल बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिजी लाइफ बहुत है। तो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू।